तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे फ्रेंड्स हम लोग खस्ता भी बोलते हैं और छठ पूजा का प्रसाद बिस्किट भी बोलते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने नारियल, छोटी इलायची का पाउडर है ये, और ये मैंने 1 कप भर के पूरा चीनी लिया हुआ है, बट इसमें से जो आधा चीनी है वो मैंने इसमें पानी में घोल के, इसकी चाशनी सी बिना पकाए जो है वो चाशनी पानी में घोल के तैयार कर रखा, और बाकी आधा जो है मैं ऐसे ही डालूंगी। और इसके लिए मैंने देसी घी लिया है, तो लगभग 2.5 से 3 चम्मच देसी घी लगेगा। और इसके लिए मैंने ले रखा है ये कप से ही 2 कप मैदा और आधा कप सूजी, इसी कप से मेजरमेंट है मेरा, तो इससे 2 कप मैदा और आधा कप सूजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं सूजी और मैदा को। और ये जो प्रसाद बनता है छठ पूजा का, वो देसी घी में ही तला भी जाता है, लेकिन मुझे छठ पूजा में चढ़ाना नहीं है इसलिए मैं इसे रिफाइंड ऑयल में तलूंगी, लेकिन इसका मोइन जो है देसी घी में करूंगी। तो ये मैंने पहले 2 चम्मच देसी घी लिया है और इसका मोइन करूंगी मैं। इसे भी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी, चम्मच से मिक्स नहीं होगा, इसे हाथ से करती हूँ मैं। और देखिए ये मैंने मिक्स किया है, बट मुझे थोड़ा कम लग रहा है मोइन इसका, तो इसमें लगभग आधे चम्मच से ऊपर मैं थोड़ा सा और लूँगी घी, और इसको भी मिला के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मिक्स होने के बाद जो इसका मोइन कैसे पता चलता है, जब इसकी मुट्ठी हम बनाते हैं, देखिए ये मैं मुट्ठी बना के दिखा रही हूँ, तो इस तरह से बनना चाहिए, तो इसका मतलब इसका मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे थोड़ा सा, मैंने 4 इलायची का दाने लेके उसका पाउडर बनाया है। ये आधी कटोरी से थोड़ा कम मैंने नारियल लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो चीनी मैंने थोड़ी सी रखी थी सूखी, वो चीनी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो आप ऊपर से चीनी डालते हैं। ये जब फ्राई होते हैं और जब चीनी इस पे मेल्ट होती है, तो वो जो इसका कुरकुरापन आता है बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमने सब मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो चीनी में हमने आधा कप पानी जो आधा कप चीनी जो घोली थी, वो मैं इसमें मिक्स करूँगी धीरे धीरे करके। और इसका हमें रोटी जैसा डो नहीं बनाना है, हमें इसे केवल मिक्स करके एक डो रूप में तैयार हो जाए, हमें इसे बहुत मारना नहीं है। तो देखिए मैं कैसे आटा लगाती हूँ इसका, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके चीनी का पानी और इसको गूंद लेंगे। तो ये देखिए ये मेरा फाइनली गूंद चुका है, तो आप देख रहे होंगे इसे मैंने रोटी के डो की तरह नहीं लगाया है, इसे केवल मिक्स करके मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है, और देखिए ये सॉफ्ट डो बना है। तो अब ये मेरा तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, और मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जो छठ पूजा का प्रसाद होता है वो मेरे यहाँ तो कम से कम देसी घी में ही बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी मेरी सिस्टर सब करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक सांचा आता है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये जो टोकरियाँ हैं मैं इन्हीं से काम चला लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। हमें इसके छोटे छोटे से लोई बनानी है, और इस तरह से टोकरी पे रखते हुए हम इसे थोड़ा सा हथेली से प्रेस करेंगे, और इसको थोड़ा दबाते हुए, हमें बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। और ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो मैं ऐसे ही शॉर्टकट मार लेती हूँ जब मेरे पास नहीं रहता है इसका सांचा। इसका सांचा भी बाजार में मिलता है, बट मैंने यहाँ कहीं नहीं देखा है। और ये दूसरी टोकरी है, इसके ऊपर भी मैं आपको रख के बना के दिखाती हूँ। देखिए इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बन के निकल रहा था। तो इस तरह से ही करके, और मैं अपने सारी जो है आटे की लोई बना बना के छोटी सी, और इस तरह से मैं प्रेस कर करके और तैयार कर लूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, और इधर मेरी कढ़ाई में रखा रिफाइंड भी गर्म हो रहा है। देखिए ये रिफाइंड गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें एक एक करके इसे डालूंगी, और इसे हमें लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई ना करें, अदरवाइज ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से सिक जाएगा, इसलिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है।
आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत बहुत टेस्टी बनता है ये। बिस्किट्स वगैरह सबको फेल कर देता है फ्रेंड्स। जब हमारे यहाँ मम्मी थी और ये बनाते थे हम लोग, तो लोगों की स्पेशली डिमांड होती थी कि हमारे यहाँ ज़्यादा दीजिएगा, हमारे ज़्यादा दीजिएगा। और अभी भी ऐसा होता है, तो मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ, बट छठ वाले दिन मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसको फिर हम एक एक करके इसको पलट लेंगे, और इसे इसी तरह से उल्टा पलटी करते हुए हमें इसे सेकना है। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। और ये गर्म होने पे तो नहीं, बट जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो बहुत क्रिस्पी तैयार होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यदि आप बनाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं सच कह रही हूँ या गलत। तो देखिए ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, और मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमने जो इसमें चीनी ऊपर से डाली है, वो थोड़ी जब मेल्ट होती है तो इस तरह से तेल में थोड़ा बहुत निकलता है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको आप निकाल के, और आप उसको थोड़ा सा निकाल के अलग करते रहिएगा, और इस तरह से देखिए ये बन के बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा मुझे कि कैसा बना था। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।